ये देखो कितनी अच्छी आई है अपनी फोटो। अब तो बता तो सही, छोटी कैसी बनी है? ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी स्माइल को ही तुम्हारा जवाब और तुम्हारी हाँ समझ लूंगा, पर बाद में तुम्हें बोल के बताना होगा कि तुम्हें कैसी लगी। डॉक्टर सही कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मुझे लगता है कि ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, हमें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस में क्या ये नॉर्मल है? I mean, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है सम्राट। मुझे भी लग रहा था कि सही के ना बोलने के पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस है, लेकिन मेरा मन है कि मानने को तैयार ही नहीं था। सही एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी और सवान निवास में उसे घुटन हो रही थी। इस हादसे के बाद सही फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वीक हो गई और उसके अंदर जो घुटन थी ना, उसने मेंटल ब्लॉकेज की शक्ल ले ली। सही बोलना तो चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही है। डॉक्टर पुलकित सही कह रहे हैं, हमें सही के लिए साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना ही होगा। मैं एक अच्छी साइकियाट्रिस्ट को जानता हूँ जो अपनी फील्ड में बहुत फेमस है, मैं उनसे बात करूंगा। मैं आपसे सहमत हूँ डॉक्टर पुलकित, आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या विराट ये सब जानता है? नहीं, डॉक्टर कर्माकर ने ये बात सबसे पहले हम दोनों को बताई है। भगवान ना करे पुलकित, अगर सही कभी बोल ही नहीं पाई तो? ऐसा नहीं होगा सम्राट, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? मैं सही के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स लाऊंगा, लेकिन उसे कुछ नहीं आने दूंगा। पुलकित, मुझे आप पर या आपकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है। आप जो कुछ भी करेंगे सही के भले के लिए करेंगे। इनफैक्ट आपने जितना सही के लिए किया है ना, कोई कभी नहीं कर सकता। लेकिन सम्राट, मैंने हमेशा सही का साथ दिया है और आगे भी दूंगा। मैं उसके बड़े भाई जैसा हूं। एंड सही इज अ फाइटर, उसने हर किसी को मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत दी है। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। आप ठीक कर रहे हैं और मुझे भी यकीन है कि हर बार की तरह सही इस मुसीबत को भी हरा देगी। अभी तुम आराम करो, चलता हूं मैं। क्या बात है सही, कुछ बोलना चाहती हो? बोलो सही, मैं यही हूं। बोलो ना सही। मेरा हाथ क्यों छोड़ा? कैसी हो सही? लगता है सही को विटामिन वी की जरूरत थी, है ना विराट? तभी तो तुम्हारे आते ही सही उठ के बैठ गई है। आखिर तुम आई गए सही से मिलने? हाँ, तुम भी तो सही को ही मिलने आई हो ना? मेरे मिलने से सही को इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी तुम्हारे मिलने से मिली है ना सही? तुम सही का हाल जानने आई हो या? ऑफ कोर्स, मैं सही का हाल जानने ही आई हूँ और तुम्हारा भी, क्योंकि सही जब से हॉस्पिटल में एडमिट हुई है तुम एक बार भी घर नहीं आए हो। पता नहीं तुमने कुछ खाया भी है या नहीं। तुम सही का हाल जानने आई हो या मेरा? विराट, सही का हाल मुझे साफ दिख रहा है। अब तुम यहाँ हो तो तुम्हारा भी हाल पूछ लिया मैंने। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और सभी घर वाले जानना चाहते हैं कि तुम इतनी देर से यहाँ हो तो तुम ठीक हो या नहीं। सभी घर वालों को और हॉस्पिटल स्टाफ को पता है कि मैं कैसा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, इसलिए वो सब जा चुके हैं। लेकिन लगता है एक शायद तुम ही हो जिसे कुछ नहीं पता है। विराट, तुम मुझे यहाँ दिखे तो मैंने आउट ऑफ कंसर्न पूछ लिया। सही का हाल जान लिया ना, अब तुम जा सकती हो। यहाँ पर तुम्हारी प्यारी बीवी को देखने आई हूँ विराट, और तुम मुझे जाने को कह रहे हो। और ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का? बाकी मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा इंसान सही के आसपास रहे जिससे सही की हालत और बिगड़ सकती है। क्या? मैं खुद नहीं मिलने वाला था, इससे नहीं आ रहा था मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे यहाँ आसपास रहने से सही की हालत और बिगड़ सकती है। वो तो खुद जब इसने मुझे बुलाया तब मैं यहाँ आया, इसलिए तुमसे प्लीज एक बार और कह रहा हूँ, जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा विराट की मेरे यहाँ होने से सही की हालत कैसे बिगड़ सकती है। समझ नहीं आ रहा है यार, समझना नहीं चाहती। विराट, तुम मुझसे ऐसे प्लीज बहस मत करो। बाकी डॉक्टर अभी कह के गए कि सही की हालत अभी भी नाजुक है, उसे आराम करने की जरूरत है। एक आखिरी बार कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से। कभी कभी तो तुम मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे मैं कोई राह चलती अजनबी हूं, जिससे तुम जैसे मर्जी हो वैसे पेश आ सकते हो। लेकिन ये मत भूलो मेरा कि मैं रिश्ते में तुम्हारी कुछ लगती हूं। कम से कम उस रिश्ते का तो लिहाज कर लिया करो। मैं किसी रिश्ते का लिहाज नहीं रखने वाला हूं, और ना ही किसी रिश्ते से मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें एक आखिरी बार, लास्ट टाइम मैं तुमसे कह रहा हूँ, प्लीज पाखी जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। लेकिन ये जो फूल मैं सही के लिए लेकर आई थी, मैं इन्हें यहाँ रख सकती हूँ या फिर जाते वक्त ये भी मैं डस्टबिन में फेंक दूँ? इनमें से कुछ फूल तुम सही के बालों में लगा देना। आफ्टर ऑल, इतने प्यार से तुमने सही के बाल जो बनाए, तो फूल भी लगा ही दो विराट। सही, सही, तुम्हें अभी किसी के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं यही हूं, मेरा हाथ पकड़ो। शांत बोलो सही, क्या है सही? ये क्या तुम्हारा कोई नया तरीका है मुझे और बाकी घर वालों को सजा देने का? तुम सच में बोल नहीं पा रही हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है?